अगर किसी कागज पर भगवान बने हो तो क्या उस पर पांव रखा जा सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है नाथूद्वारा विधायक ईश्वरदास सिंह मेवाड़ का। लगता है ये जवाब है कल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें कई सारी बातें निकल कर आई थी, मगर ये जो दौर चल रहा है ये दौर अब लगता है कि तीखे तेवर, तीखे शब्दों के प्रहार की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ईश्वरदास सिंह मेवाड़ ने क्या कहा वो सुनाऊं, मगर उससे पहले जानना जरूरी है जो शब्दों की लड़ाई चल रही है जिसमें विधानसभा में ये कहा जाता है कि ये प्रतिमा एक धार्मिक पर्यटन है, ये आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, धर्म के नाम पर भद्दा मजाक है, इसे रोका जाना चाहिए। जवाब कल आया और वहाँ पर भी तीखे तेवर देखने को मिले। शब्द कुछ इस तरह से थे कि अगर ऐसा लगता है कि मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ तो लोग इसे एक साल ठेके पर चला के देख ले। यह भी कहा गया कि जिन्हें विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। चीज़ें यहाँ तक पहुँची कि आई जाए यही हालात रहे तो मैं इसको बंद तक कर दूंगा। जवाब आज पुनः एक बार निकल कर आया है जब विश्वास सिंह मेवाड़ कहते दिखाई दिए क्या किसी कागज पर भगवान बने हो तो उस पर पांव दिया जा सकता है। और वैसे भी मैंने सवाल सरकार से किया है, मैं जवाब की उम्मीद भी सरकार से करता हूँ, किसी और की बात के लिए मैं कोई बाध्य नहीं हूँ। कौन क्या सोचता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मगर मेरे सवाल के बाद अधिकांश लोग संतुष्ट दिखाई दिए इसलिए मुझे लगता है कि मैंने एक जायज विषय उठाया है। सुनिए आखिर क्या कुछ कहते हैं, फिर इसके दूसरे पहलू तक लिए चलूंगा। देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनकी सोच है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बताया जो उनको बताना था, जो मुझे कहना था मैंने विधानसभा में कह लिया है, और उसमें जो विधानसभा में कहा है उससे ज़्यादा तो मैं और क्या जोड़ूं। लेकिन जोड़ना तो एक प्रश्न तो पूछ सकता हूं मैं, आपके घर में भी कोई मूर्ति होगी, कोई भगवान का चित्र होगा, तो क्या आप उस मूर्ति या चित्र को अपने पैर से छुओगे? उससे आगे मैं और क्या बताऊँ। ये जो प्रतिमा है वो आपने उसमें विधानसभा में बताया था कि वास्तव में ये जो एक अधर्म की तरह है, तो उन्होंने ये उसी पे दिया कि नहीं ये तो विश्वास स्वरूप का मुझे नाम भी नहीं देते तो वो क्या संज्ञा? देखो, जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा, जो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो विधानसभा में कहा वही बात सही है, और आपने भी जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया है वो भी वही बात बतलाता है। अब ये प्रश्न मैंने बंद करवाना चाह नहीं, ये सरकार को पूछा है कि सरकार क्या करना चाहती है इसके बारे में, ये सब उनकी सोच है। अब उनको जो करना है वो उसको मैं क्या बताऊँ। आप पूछ रहे बार बार, तो ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जो सही और गलत धर्म की बात है। और मुझे तो खुशी है कि सब लोग ज़्यादातर संतुष्ट है, तो मैं उन्हीं की बात आगे लेके गया हूँ, क्योंकि आज ये जो विषय है एक ही है कि आप ये धर्म की बात है, आप मूर्ति के अंदर कैसे जा रहे हैं, और बाकी जो भी प्रश्न है वो तो अलग ही विषय है, फिर वो अलग बात करेंगे।